हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपको बताऊंगी कि आम पन्ना किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब आम का शरबत किस तरीके से बनाया जाता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे आधा कटोरी चीनी और ये भुना हुआ जीरा, नमक आधा चम्मच और ये थोड़ा सा काला नमक और ये सौंफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है ये पुदीना और ये चार हल्की पकी हुई कच्ची कैरी, मतलब ये हल्की हल्की पकी हुई है। आइए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको छील लेते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं, खूब अच्छे तरीके से, और सबसे पहले हम इनको इस तरीके से काट लेंगे और छीलर की मदद से इनको छील लेंगे। ये बिल्कुल कच्ची कैरी नहीं है, ये हल्की पकी हुई कैरी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सबको छील लेंगे। ये चीज आपको ज्यादा निकालनी है क्योंकि हम इनको उबालेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि आप इनको अच्छे से धो लें। ये देखिए, ये सभी मैंने अच्छे से छील ली हैं। उसके बाद हम इनको एक दूसरी प्लेट में लेके इनको काट लेंगे इस तरीके से। ध्यान रखिए, ये पकी हुई है तो आपको इसी तरीके से निकालनी है। हम इन सभी कैरियों को इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे निकाल ली है। अभी हम इसको इनको डालेंगे एक मिक्सी के जार में। सारा डालने के बाद और ये नमक, ये जीरा भुना हुआ, अभी हम इसमें डालेंगे ये काला नमक, मतलब आपको, और ये सौंफ। आपको सभी सामान मिक्सर में डाल देना है। ये पुदीना भी इसमें डाल देना है और चीनी, चीनी भी स्वाद अनुसार सारी डाल देनी है। अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। और इसको बंद करके ग्राइंड कर देना है। इसको हम खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए। तो मैं ग्राइंड करके लाती हूं अभी। ये इसको अभी खोल लेंगे, खोल दिया है ये हमने। और अभी हम इसमें बची हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। जो चीनी बच गई थी वो भी ऐड करके इसमें डालेंगे हम एक ग्लास पानी, एक ग्लास के करीब पानी डाल देंगे इसमें हम। फिर से इसको ग्राइंड करना है। इस तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। अभी हम इसको छान देंगे एक छन्नी की मदद से।
ये सारा आप इसी तरीके से छान लें जिस तरीके से मैं छान रही हूँ। लास्ट में हल्का सा पानी डाल दें, इस तरीके से ये सारा छान दे। इसको छानने में थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे तो बड़ी छन्नी की मदद से आप इसको जल्दी से छान सकते हैं। इस तरीके से ये सारा निकल जाएगा, आम के रेसेस और सौंफ का और जो भी है सब इस तरीके से बन के रेडी होगा। अभी हम इसको चला लेते हैं। ये पीने में बहुत ही अच्छा, खट्टा मीठा और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें। इसमें डालेंगे हम अभी एक बोतल पानी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप ठंडी एक पूरी बोतल इसमें डाल दें। और ये 10-12 लोगों के लिए बनके रेडी है। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा आम पन्ना बनके रेडी हुआ है, आम का शरबत। आप इसको जब अपने मेहमानों को पिलाएंगे तो वो दोबारा जरूर मांगेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।